हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ विश्वजीत सरकार और ये है मेरी वाइफ खुशी। आज से हम नया ब्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं, हो सके तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप सब हमारा हेल्प करिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं खुशी के घर, फिर आइए देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत समय तक टोटो का वेट करने के बाद अब टोटो भी आ गया। अब देखते हैं जाएगा या नहीं। स्टेशन, टोटो वाले ने बोला कि वो जाएगा, तो फिर हम दोनों टोटो पे चढ़ गए। अब जा रहे हैं स्टेशन की ओर। स्टेशन में जाके हमको ट्रेन भी पकड़ना है, टिकट भी कटवाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को हमारे यहाँ का एक इस्कॉन मंदिर दिखाते हैं, जो कि हमारे यहाँ एक छोटा सा है बट बहुत बड़ा भी है हमारे यहीं पास में, जो कि कृष्णा नगर में है। गर्मी के मारे दिमाग ख़राब हुआ जा रहा है, पर फिर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। उसकी वजह से हम लोग 2:30 बजे के ट्रेन से जाने वाले थे, उसको कैंसिल करके 4 बजे के ट्रेन से जा रहे हैं। फिर भी इतना गर्मी है। हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा धूप है। शाम के 4 बज चुके हैं, फिर भी इतना धूप। हम लोग और जल्दी भी आ गए, इसलिए अब क्या करें, चलो वेट करते हैं। और ये देखो खुशी अपना बड़ा बैग मुझे पकड़ा के छोटा सा बैग लेके घूम रही है। कब से ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं हम दोनों। पंद्रह मिनट तक वेट करने के बाद फाइनली हमारा ट्रेन आ गया है। ट्रेन की हालत देख के तो लग रहा है कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, पर देखते हैं ट्रेन में चढ़ के। बाप रे बाप, इतना भीड़ ट्रेन में। भीड़ देख के तो दिमाग ख़राब हो रहा है। हम लोग 2:30 बजे के ट्रेन से नहीं आए गर्मी की वजह से, और इस ट्रेन में अब भीड़, इतनी भीड़ है कि खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। खुशी को देखो उसकी हालत। उस ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम ट्रेन से ही उतर गए। उसके ठीक पीछे एक ट्रेन और था, उस ट्रेन से हम लोग जाने का सोच रहे हैं। अब देखते हैं वो कितने टाइम बाद आती है। चलो देखते देखते ट्रेन आ भी गई, अब ट्रेन से जल्दी से हमको घर भी जाना है। इस ट्रेन में शायद भीड़ कम ही है, और भीड़ इतना कम है कि हम दोनों बैठ के मूवी भी देख रहे हैं आराम से। ट्रेन इतनी लेट है, पर इतना सुंदर हवा चल रहा है देखिए। और आज संडे है तो स्टेशन भी पूरा खाली ही है। मज़ा भी आ रहा है हमको बहुत। आज यहाँ हमेशा भीड़ हो जाता है, हमेशा 2-3 मिनट लग ही जाएगा आपको यहाँ से निकलने में, और हम अगर भीड़ हुआ तो 4-5-6 मिनट आराम से। हम लोग को बस में यहाँ से जाना होगा, देखते हैं बस कितने देर पे आता है। बस तो है बट बस में बहुत भीड़ है, क्योंकि शायद आज मैच है आपका, सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैच है शायद, इसीलिए बहुत भीड़ भी है। देखते हैं कितने टाइम बाद मिलता है बस। हम लोग बस में चढ़ गए और ये बस तो पूरा का पूरा खाली था, और भीड़ भी है रास्ते में बहुत ज़्यादा। और ये देखो खुशी को आराम से अपने सीट में बैठ गई। यहाँ से 10 मिनट में हम लोग घर भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो आप सबसे अब मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं गाइस, और बहुत थक चुके हैं। अभी मैं जाऊँगी, ड्रेस चेंज करूँगी, हाथ धोऊँगी, आते हैं आपसे। इतने में हमारा भतीजा भी आ गया। अब वो बर्ड्स देखना चाहता है, उसको बर्ड्स दिखाना पड़ेगा मुझे। दीदी के बोलो आमी खाबो फिश। आमी खाबो फिश। आमके दाओ। दाओ। हाय करे दाओ, हाय करे दाओ। आमके फिश दाओ। दाओ।
फ्रेंड्स, हम लोग घर से आके खाना वाना खा के अब सोने जा रहे हैं। आप लोग बताइएगा हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग नए ब्लॉग्स बनाना शुरू किए हैं, हमें पता है कि हमसे गलतियां हुई होंगी, तो हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें सपोर्ट करिए ताकि हम भी ऐसे और ब्लॉग्स बना पाएँ। टाटा, गुड नाइट।